नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं News24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अंशी आनंद। देखिए, मैं इसको विडंबना कहूं या यूं कहें कि क्या बिहार की सियासत वाकई जाति के इर्द गिर्द ही रह जाएगी, ये आप समझेंगे। अभी हम डिस्कशन जब करेंगे विस्तार से आपको बताएंगे ये मुद्दा, इसलिए क्योंकि अब एंट्री हो चुकी है केंद्र सरकार की। जी हाँ, उसके बाद तो लाजमी सी बात है सियासत होनी तय है, क्योंकि होर भी तो मची है। ये मेरा मुद्दा, ये मेरा मुद्दा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक नागरिक होने के नाते कि क्या बिहार में शिक्षा कभी मुद्दा बन पाएगा, रोजगार कभी मुद्दा बन पाएगा, या जाति के इर्द गिर्द ही सियासत होगी। आज इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन जो केंद्र सरकार की एंट्री हुई है उसके बाद बिहार की सियासत कितनी गर्मा गई है, क्या कुछ रिएक्शन आ रहे हैं। सबसे पहले तेजस्वी यादव का रिएक्शन सुनते हैं। अब इस बच्चा क्या, अब पहले पीछे से था, छुप छुप के आता था, अब तो खुल के आ गया। जो कास्ट बेस सर्वे हो रहा है, अब इसका विरोध जो है सामने से लोग आके कर रहे हैं, तो असलियत जो है, जो बात हम लोग पहले कहते थे वो बात सामने आ गई है। तो आपने देखा तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, अब जेडीयू पर क्या कैसे रिएक्शन नहीं आएगा। तो ललन सिंह ने भी इस पूरे मामले को लेकर बयान दिया है। पार्टी जो पर्दे के पीछे से रहकर ये खेल खेल रही थी, उनको अपना नकाब उतारना पड़ा। सरकार पर्दे के पीछे से जो एक बहुत बड़ा कदम था, गरीबों के हक में, अति पिछड़ों के हक में, दलित समुदाय के हक में, जो आर्थिक रूप से पिछड़े समाज के सभी वर्ग के लोग हैं उनके हक में बहुत एक क्रांतिकारी कदम बिहार की सरकार ने उठाया था, जिस पर भी विराम लगाने के लिए पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी खेल कर रही है। तो आज फिर हम लोगों का आरोप है कि अब भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हो गया है। भारतीय जनता पार्टी को पर्दे के पीछे से निकलकर अब खुले मैदान में आना पड़ा, और खुले मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने आकर केंद्र की सरकार ने, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आकर, उनके सॉलिसिटर जनरल ने जो बहस किया उसके बाद यह साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी देश के अति पिछड़ों के विरोधी है, देश में गरीबों का विरोधी है। तो देखिए, सुनवाई तो 28 अगस्त को होगी, लेकिन यहां पर जो सॉलिसिटर की एंट्री हुई है अब उसके बाद सियासत चरम पर है। देखिए, सियासत को जरा समझिए, वो भी बिहार की सियासत को, जाति कितना महत्वपूर्ण है उसे लेकर इर्द गिर्द पूरी सियासत। हालांकि इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अखिलेश सिंह जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता बीजेपी से, चंदन सिंह जी जुड़ चुके हैं प्रवक्ता और एलजेपी से, विनीत सिंह जी जुड़ चुके हैं प्रवक्ता एलजेपी रामविलास, अरुण यादव भी जुड़ चुके हैं प्रवक्ता आरजेडी की तरफ से, राम पुकार सिन्हा जुड़ चुके हैं प्रवक्ता राष्ट्रीय लोक जनता दल की तरफ से, हमारे सहयोगी सौरभ कुमार भी पटना से जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। अखिलेश सिंह जी, देखिए बड़ी बात यह है कि ललन सिंह जी ने सीधे तौर पर कहा कि देखिए, जो अभी तक बैकफुट पे आप लोग खेल रहे थे पीछे से, अब खुलकर सामने आए हैं। लेकिन मैं ये समझ नहीं पाती अखिलेश सिंह जी, विकास है आप लोग के साथ जो दावे किए जाते हैं, फिर आप लोग भी तो आ ही गए ना उसी मुद्दे पर, जाति बिहार में इसके बिना सियासत नहीं हो पाएगी। अखिलेश सिंह जी, नहीं नहीं देखिए, एक बात है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध रही, और दूसरी बात यह है कि सामाजिक संतुलन, क्षेत्र संतुलन, ये सारे संतुलन आवश्यक है। आप इस देश के अंदर आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से इस देश के अंदर कई ऐसे क्षेत्र थे जो विकास के से काफी कोसों दूर थे, उन सभी क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान देकर के उनका विकास किया गया। ऐसे ही समाज के ऐसे बहुत सारे वर्ग हैं जो विकास से दूर रहे हैं, उन पर विशेष रूप से, जैसे मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जैसे माँ की ममता होती है कि परिवार का कोई बच्चा यदि कमजोर हो तो जरा एक मजबूत बच्चा है तो उसका कुछ हक काट करके उस कमजोर बच्चे को ज्यादा देने का प्रयास करते, तो ये बुरी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि समाज में सामाजिक रूप से पिछड़े हुए, आजादी के बाद जिस प्रकार से सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को
और अवसर देने की बात हुई, राजनीति में अवसर, शिक्षा पाने का अवसर और धन एकत्रित करने का अवसर उन्हें देने की बात हुई, तो ये इसलिए हुई कि हमारे समाज के अंदर बहुत सारे कारणों से विषमता रही, उन सारे विषमताओं को दूर किया जाए। अखिलेश सिंह जी बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर, लेकिन आप थे मेरे साथ डिस्कशन में कि नहीं? हमने कुछ दिन पहले जाति गणना पर डिस्कशन किया था, अरुण कुमार जी थे हमारे साथ। उस वक्त तो बीजेपी को याद आ रहा था कि ठीक है पहले विकास करें, ये इनके लिए जाति गणना चुनावी मुद्दा है, तो आपके लिए चुनावी मुद्दा नहीं है, आप लोग विकास के लिए कर रहे हैं। देखिए यही तो बात है ना, यही तो बात है कि बिहार की जो सियासत है ना, मुझे लगता है जाति से तो ऊपर उठ ही नहीं पाती। ठीक है, जाति गणना कराना कितना जरूरी कितना नहीं जरूरी, ये एक बड़ा मुद्दा है, इस पर तो हम चर्चा करेंगे। लेकिन मेरे जहन में एक सवाल आ जाता है कि वाकई कहते ना कि होड़ से अब लग गई है, ये मैं करा रहा हूं, ये मैं करा रहा हूं। अरुण जी जल्दबाजी थी, हड़बड़ी थी। मैं तो अपनी बात पूरी नहीं कर सका, हमको दो तीन लाइन। अच्छा ठीक है, आप रखिए, उसके बाद अरुण जी से भी रिएक्शन लेंगे। हाँ बोलिए, बात पूरी हो जाए। अब रही बात, हाँ हाँ बोलिए, इस देश के अंदर ये व्यवस्था चली है। हाँ, ये बात है कि इस काम में अगर ईमानदारी बरती गई होती तो शायद अब इस देश के अंदर इसकी जरूरत ना हो, लेकिन हाँ ठीक है कि अभी जरूरत है और इसलिए सभी समाज के सभी वर्गों को उचित अवसर प्रदान हो, इसके लिए जरूरत है। सवाल उठता है नियत की, हम उस समय भी कहे थे कि नियत क्या है, जब आप इसका टाइमिंग और नियत ऐसा बोलते ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता, हमारे बिहार की जनता को भी अच्छा लगता कि आप लोग का क्या स्टैंड है। खुलकर नहीं बोल पा रहे थे, अब एंट्री हो चुकी है। आप एक बार बताइए ना कि कब हमने जातीय जनगणना का विरोध किया है, और आज ये जो कह रहे हैं ललन सिंह जी, एक बयान कोई दिखा दे तो मैं कागज दिखा रहे ना कि सोलिसिटर जनरल ने इसका विरोध किया। हम तो मांग रहे हैं कि सोलिसिटर जनरल ने अगर विरोध किया है तो उसका कागज दिखा दे, झूठ बोल रहे हैं। और समाज के अंदर विरोध की बात तो वो भी नहीं कह रहे अखिलेश सिंह जी, विरोध की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि देखिए अब पहले तो बीजेपी इस पर खुलकर बोल नहीं रही थी, पीछे से कहते ना कि पीछे का जो दरवाजा होता है, लेकिन अब जाकर सामने आने क्योंकि चुनाव में नजदीकी ये बात। अब ठीक है, आपकी बात हमने सुन ली, अरुण कुमार यादव जी से भी रिएक्शन लेते हैं। अखिलेश सिंह जी आपके पास आएंगे, अरुण कुमार जी जी बोलिए जी। अरुण कुमार जी देखिए, जातीय गणना जी बोलिए जी जी। आज सवाल तो आप बाकी समझ ही गए होंगे, क्योंकि अब तो देखिए अखिलेश सिंह जी है आपके साथ हो गए, अब तो आप लोग चलिए मिलके विकास कीजिए, बिहार का मुद्दा आप लोगों के लिए एकदम सेम टू सेम हो गया है। देखिए अब तो स्पष्ट हो गया, क्योंकि एक ही गाल से मुस्कुराना और एक ही गाल से गाल फुलाना नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी का जातीय गणना के सवाल पर, जातीय जनगणना के सवाल पर दोहरा चरित्र सामने आ गया था। लगातार पहले अप्रत्यक्ष रूप से विरोध कर रहे थे, अब तो खुलकर विरोध करने लगे। सामने आ गया, पिछले दिनों आपने देखा कोर्ट में किस तरीके से नकली ओबीसी अपने आप को, जो प्रधानमंत्री अति पिछड़ों का ओबीसी का हिमायती कहलाते हैं, उन्होंने उनके नारे पर कोर्ट में सोलिटर जनरल गए, तो सारा जो है कुलबुलाहट अब स्पष्ट हो गया। भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार अति पिछड़ों दलितों का विकास नहीं चाहता, ये लोग नहीं चाहते कि बिहार में जातीय गणना हो, ये लोग कभी नहीं चाहते कि देश। अरुण जी लेकिन इसमें आपत्ति क्या है? अगर सॉलिसिटर जनरल की एंट्री हो भी गई तो आप लोग इतना क्यों घबरा गए इससे? इससे साफ घबराहट बीजेपी घबराई हुई है, क्या जरूरत थी जाने की? इससे साफ यह स्पष्ट होता है कि बीजेपी और केंद्र की सरकार नहीं चाहती है बिहार में जातीय गणना हो, नहीं, क्योंकि उनको पता है जातीय गणना के बाद जो गरीबों का विकास होगा, सभी जिस वर्ग में भी गरीबी हो, वो नहीं चाहते हैं पिछड़ों का विकास हो, वो नहीं चाहते हैं
जातीय सर्वे के बाद या फिर अरुण कुमार जी का कहना है कि बीजेपी नहीं चाहती है अभिनय सिंह के ठीक है ठीक है अरुण कुमार जी अगर आप लोग सामाजिक न्याय चाहते हैं सौरभ बिहार हम लोग कई बार चर्चा करते हैं सौरभ आप सही चुनाव कवरेज के होंगे अरुण जी आपकी बात समझ में आ गई और भी मेहमान है उनका भी रिएक्शन लेते हैं क्योंकि ये एक्चुअली क्या है ना कि मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में जो सियासत है ना सौरभ जाति से शायद निकल पाएगी भी है नहीं ये बड़ा मुद्दा है 2005 में कुछ बदलाव सा दिखा था और इस बार भी लगा था कि शिक्षा रोजगार कानून व्यवस्था ये सब प्रायोरिटी पे होगी लेकिन जाति सर्वोपरि जी बिल्कुल अंजलि जाति सर्वोपरि अगर बिहार की राजनीति को अगर हम शुरू से देखें तो मुद्दों की बात चुनाव के पहले होती है लेकिन चुनाव में जब लोग जाते हैं जब वोट करने के लिए जाते हैं तो वो जाति को ध्यान में रखकर ही वोट करते हैं और ये सभी पॉलिटिकल पार्टी जानती है इसीलिए महागठबंधन की सरकार को पता है कि जातीय जनगणना का लाभ मुझे कैसे लेना है और इसीलिए जल्दबाजी में ही जातीय जनगणना की शुरुआत हुई और उसके बाद जिस तरीके से पटना हाई कोर्ट ने रोक लगाई और उसके बाद फिर से हरी झंडी दे दी और उसके बाद आपने देखा होगा कि 1 अगस्त को जब हरी झंडी मिल गई पटना हाई कोर्ट के तरफ से उसके बाद 5-6 दिनों के बाद ही बिहार सरकार के तरफ से यह कहने मतलब कहा गया कि जातीय जनगणना का लगभग सारा जो काम है वो कंप्लीट हो गया है अब आंकड़ों की डाटा एंट्री हो रही है तो निश्चित रूप से महागठबंधन सरकार को पता है कि जातीय जनगणना की जब रिपोर्ट आएगी तो उसे चुनाव में काफी फायदा मिलेगा और इसीलिए महागठबंधन की सरकार लगातार कोशिश कर रही थी कि बिहार में जातीय जनगणना हो और उसे पता है कि जब जातीय जनगणना होगी जब इसके रिपोर्ट आएंगे जब इसके आंकड़े आएंगे तो फिर से भागीदारी की बात होगी हिस्सेदारी की बात होगी लोग सड़क पर आएंगे फिर से आरक्षण की बात होगी और इसका फायदा महागठबंधन को सरकार के ना केवल 2024 बल्कि 2025 के विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा जी बिल्कुल विनीत सिंह जी देखिए अगर सौरभ की बात को समझो और ये बात तो देखिए दिखाई दे रहा है जितनी जल्दबाजी और जितना लेकिन अब केंद्र सरकार की यहाँ पे एंट्री हो चुकी है तो कुल मिलाकर ये समझे कि देखिए यहाँ पर होर सी लगी हुई है कि ठीक है अगर यहाँ पे जाति गणना कराने की जल्दबाजी दिखाई दे रही है महागठबंधन में अब दूसरी तरफ बीजेपी नहीं चाहती कि जल्दी से उजागर हो जाए अंजलि जी पहले तो ये बात जान ले कि एनडीए का कोई भी घटक दल ने इस जातीय गणना का विरोध नहीं किया था हम सब समर्थन में थे हमारी पार्टी हो हमारे राष्ट्रीय चिराग पासवान जी हो क्योंकि हम समझते हैं कि इसके फायदे होंगे परेशानी तब हो जाती है कि नीतीश कुमार जी की नीयत जब समझ में नहीं आती है इतना हड़बड़ा के काम करना इसके अलावा जब उन्होंने हाईकोर्ट में अपनी दलील पेश की तो कहा कि 80% काम पूरा हो गया है तो भाई हाईकोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम आपको 20-25 दिन दे दिया है तो 20% काम तो पूरा हो ही गया होगा अब तो काम है कि डेटा का आकलन कीजिए उसको प्रकाशित कीजिए लेकिन मुझे परेशानी तब लगती है अंजलि जी कि क्या ये सचमुच सामाजिक कल्याणार्थ हेतु नीतीश कुमार जी ये काम कर रहे हैं या जो महाठगबंधन के घटक दल हैं एक दूसरे पे हावी होने के लिए कर रहे हैं ये सोचने वाली बात होगी भाई केंद्र सरकार हर उस राज्य के मुद्दे पे हस्तक्षेप कर सकती है जिससे कि मायने बहुत दूर तक जाएंगे सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने क्या कहा कि हो सकता है कि इसका रेमिफिकेशन जो हो काफी लंबा हो काफी दूर तक हो इसलिए केंद्र सरकार को भी ये मौका मिलना चाहिए कि अपना जो है पक्ष रख सके उसके लिए उनको 1 सप्ताह का समय दिया इसके लिए हाय तौबा मचाना हो भी ललन सिंह और तेजस्वी यादव की भैया सफिशियंट टाइम मिल गया है आपको आप तो डेटा प्रकाशन कीजिए आप उसका लेकिन बात फिर से वही आती है कि क्या सचमुच ये बिहार की जनता के कल्याण के लिए काम हो रहा है बहुत बड़ा सवाल उठाया आपने ये बड़ा सवाल उठाया जनता के लिए बिल्कुल विनीत सिंह जी मैं अग्री करती हूँ सवाल से देखिए अब आखिरी पड़ाव बिहार में जाति था पर मुझे लगता है कि 24-25 में 55% बिहार के युवा 15 से लेकर 35 साल तक है उनको शायद जाति से ज्यादा लेना देना नहीं है वो नौकरी रोजगार स्वास्थ्य और विधि व्यवस्था की ही बात करेंगे तो आने वाला समय बिल्कुल बदलेगा 24-25 आप देखिएगा जी। बिल्कुल आने वाला समय बदलेगा और सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पर अगर बात की जाए राम पुकार जी महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि किस तरह से जातीय गणना की बात की जाए और विनीत सिंह जी ने एक सवाल उठाया है
इतनी जल्दबाजी, ऐसा लग रहा है कि जातीय गणना अगर नहीं हुआ ना, वो रिपोर्ट सर्वे नहीं आया तो बिहार का तो विकास ही नहीं हो सकता। हम लोग कानून व्यवस्था की बात करते हैं, हम लोग यहाँ शिक्षा की बात करते हैं, इस मुद्दे में अगर दिखाई जाते ना कि हाँ कितना हम लोग इम्पोर्टेंट हो गया, कितनी जल्दबाजी दिखाई, तो मुझे लगता है थोड़ा बेहतर होता। ये न्याय के लिए जरूरी कि चुनाव के लिए जरूरी? राम पुकार सिन्हा जी, राम पुकार जी, राम पुकार जी तक क्या आवाज जा रही है मेरी? ठीक है, चंदन सिंह जी से रिएक्शन ले लेते हैं। चंदन सिंह जी, देखिए सवाल वही है और मुझे लगता है देखिए आप लोग भी बिहार में हैं और बिहार की जनता के लिए नेतृत्व कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि क्या वाकई बिहार इस मुद्दे से उभर पाएगा या चुनावी मुद्दे अगर रोजगार पे रहता, मुझे लगता है जो पलायन होते रहते लोग उन पर होता, तस्वीर कुछ और होती। देखिए बिहार की जनता तो जानना चाहती है, क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव ने चुनाव से पहले भी कहा था कि एक कलम से हम 10 लाख रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, लेकिन रोजगार और नौकरी के नाम पर तेजस्वी प्रसाद यादव बोल नहीं पाते हैं। देखिए वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और बिहार में जो अभी स्वास्थ्य के जो हालात हैं कि आईसीयू बेड तक पर कुत्ते बैठते हैं, पानी से कहीं डूबा हुआ है इनका स्वास्थ्य केंद्र, और पलायन का जहां तक बात है तो आप बिहार से बाहर जाकर देखिए, आप कोटा देखिए, आप बेंगलुरु देखिए, आप पुणे जाकर देखिए, दिल्ली देखिए, तो यहाँ से जो माइग्रेट जो यहाँ के आज के यूथ कर रहे हैं वह बाहर में तो थू करते हैं कि क्या 2005 का ये बिहार है? नीतीश कुमार ने जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर से लेकर हर चीज पर काम किया था, आज महागठबंधन में नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन कभी किसी भी बयान में बिहार के नौजवानों को एड्रेस नहीं करते हैं। हमने कितना कुछ किया है आपको तो सब पता ही है। अब देखिए कल तेजस्वी प्रसाद यादव जो बोल रहे थे एयरपोर्ट पे कि पहले तो पीछे से लोग करता था, अब तो सामने से आके कर रहा है, एक भी शब्द ये बिहार के नौजवानों के लिए नहीं बोलते हैं। बस जातीय रंग में किस तरीके से झोंकना है बिहार को, चूंकि जानते हैं कि जब तक आरक्षण का जिन हम नहीं निकालेंगे काम पर जीत नहीं पाएंगे, चूंकि ऐसा कुछ किया नहीं है। आप हमको एक एग्जाम्पल बताइए, आपके पास सिर्फ एक नया म्यूजियम आप बनाए हैं कि 2-4-500 करोड़ रुपया लगा दिए हैं, आप देखिए कि कितना कुछ हम विकास किए हैं, अंदर से टनल भी बना रहे हैं। अब यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं, 5 गो कहेंगे कि उपलब्धि बताइए तो नहीं बता पाएंगे, तो बिहार लगातार पीछे जा रहा है। राम पुकार जी, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो बड़ी बात ये है कि यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वाकई कितना महत्वपूर्ण है बिहार की विकास, कि क्या होता है ना, जनता ही किसी और इसमें कोई टूंगा नहीं। सौरभ वहां मौजूद है, सौरभ राव रिपोर्टिंग करते हैं और वो हालात को भी देखते होंगे कि वाकई बिहार कितना बदला। जब भी चुनाव आते हैं आखिर क्यों जाति सर्वोपरि हो जाती है? और जैसा कि देखिए सौरभ ने इस बात का जिक्र भी किया था कि यहाँ पे क्या होता है ना कि जब चुनाव मैदान में आते हैं तो जाति देखकर ही यहाँ पे होती होती, मुझे लगता है ये माइंडसेट बदलने की जरूरत है और ये जिम्मेदारी है तमाम राजनीतिक दलों की। राम पुकार जी, क्या वाकई हर राजनीतिक दल के लिए जाति महत्वपूर्ण हो जाता है? राम पुकार जी आप अनम्यूट करें। बिहार में जी आप तो जा रही है मेरी जी बिहार में जातिगत रहेगा, लेकिन मैं आपको बतला दूं कि आगामी 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें सबसे ज्यादा अहम मुद्दा बिहार में बेरोजगारी, बिहार में शिक्षा व्यवस्था, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, जो आज चारों तरफ हिंसक गतिविधि हो रही है, इन तमाम मुद्दे बिहार के 2024 के चुनाव में हावी रहेंगे। जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी का मैं बयान सुन रहा था, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का मैं बयान सुन रहा था, इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इन लोगों के पास सिर्फ जातिगत गणना पर इन लोग बोलेंगे। इनको मालूम होना चाहिए कि जातिगत गणना भी बिहार के तमाम राजनीतिक दल के नेताओं का एक सहयोग है कि आज बिहार में जातिगत गणना हो रहा है। जब बिहार में जातिगत गणना के लिए बिहार में जितने राजनीतिक दल है
सभी दल के वरिष्ठ नेता दिल्ली गए थे प्रधानमंत्री जी से मिलने, उसकी उपलब्धि क्यों नहीं बोलते हैं राजद और जदयू के लोग और कांग्रेस के लोग? मैं पूछना चाहता हूं राजद के प्रवक्ता जो आज हमारे डिबेट में बैठे हुए हैं, बिहार में इस बार पूरा नौजवान पूरा युवा पीढ़ी तेजस्वी प्रसाद यादव से पूछेगा कि आप जो घोषणा किए थे कि मैं सरकार में आऊंगा तो मैं 10 लाख बेरोजगार युवकों को रोजगार दूंगा, कहां गया वो रोजगार का मुद्दा, कहां गया जो तेजस्वी यादव बोले हुए थे? आज बिहार में हर जगह हत्या और अपराध की घटनाएं घट रही है, पूरे बिहार में प्रतिदिन 4 से 5 हत्याएं हो रही है, इसलिए उसका वो मुद्दा भी बिहार में बहुत चरम सीमा पर गुजरने वाला है। बिहार में जनता दल को राजद के लोगों को कोई मुद्दा नहीं है, लोग जनता के बीच किस मुद्दा को लेकर जाएंगे कि आप मुझे वोट दीजिए? बिहार में 15 वर्ष तक राजद की सरकार रही, 18 वर्षों से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी शासन में मुख्यमंत्री है, कभी एनडीए गठबंधन के सहयोग से मुख्यमंत्री होते हैं तो कभी राजद के गठबंधन से मुख्यमंत्री होते हैं। आप मुझे याद है तेजस्वी यादव, और देखिए उसी उम्मीद के साथ सब लोग एक उम्मीद लगाए थे, आज जी को बहुत सारी सीटें भी मिली थी कि उस वक्त आप लोग सत्ता में नहीं आए थे, बीजेपी के साथ जेडीयू ने सरकार बनाई, अब आप लोग सत्ता में भी हैं। क्या बिहार के युवा वाकई अब भी उसी सोच में है और आप लोग चाहते हैं कि उसी सोच के इर्द गिर्द रखें, या आज दिन भी बहुत बड़ा है, सौरभ आज चांद पर पहुंचेंगे और सफल भी होंगे पूरी उम्मीद भी है, बिहार के युवा भी चाहते हैं कि उनके हाथ में रोजगार हो, रोजगार की बात हो। अरुण कुमार जी आप इसका जवाब देते हैं और हम सौरभ के पास भी जाएंगे। सौरभ जरा हमें बताइएगा कि वहाँ युवा क्या चाहता है, क्योंकि अरुण कुमार जी ने, मैं चाहूंगी कि अरुण कुमार जी सुने आपकी बात और उसके बाद क्योंकि सत्ता पक्ष से ही सवाल पूछे जाएंगे और उम्मीद भी की जाएगी। अरुण कुमार जी देखिए, अंजलि जी, हमारे साथी राम पुकार जी, चंदन जी रोजगार पर सवाल उठा रहे थे, निश्चित रूप से सही बोल रहे थे। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार के नौजवानों से 10 लाख सरकारी नौकरी देने का प्रॉमिस किया था, प्रण किया था। आपको याद होगा पहली बार देश में, पहली बार भारतीय जनता पार्टी को मुद्दे आधारित राजनीति पर लाने का काम हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने, इस बात से मैं एग्री करती हूँ, लेकिन वो मुद्दे आज तो साइडलाइन हो गए ना, इसलिए सवाल उठ रहा है। मैं बता रहा हूँ, सही चंदन जी कह रहे थे, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का प्रण था, नौजवानों से प्रोमिस था कि हमारी सरकार बनेगी, बिहार के मुख्यमंत्री हम बनेंगे, तो पहले कैबिनेट में, पहली कैबिनेट में, पहले कैबिनेट में है ना कि नहीं है, 10 लाख नौजवानों को 10 लाख रोजगार देंगे। संजोग बस भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार बनी, हमारी सरकार नहीं बनी, एनडीए की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी और जदयू गठबंधन की लगातार 2 साल तक सरकार रही 2020 के बाद। पिछले साल नीतीश जी ने कान पकड़कर एनडीए को, जो मैंने सवाल पूछा ना आपने 2000 के विधानसभा की बात कर रहे हैं, उत्तर आ रहा हूं, सवाल सरकार में और भी लोग हैं, आप भी इतना रुपया मुझे पिछले विधानसभा में लेके जा रहे हैं, अब लोग जलेबी जैसा जवाब मत दीजिए, सीधा जवाब दीजिए, फिर लिख के लाया है क्या? लेकिन आप लोग तो ऐसे तो आप बोलने नहीं दीजिए, मैं आ रहा हूँ वहीं पे, रोजगार पे आ रहा हूँ, आ रहा हूँ रोजगार से आ रहे हैं, जल्दी आइए भाई, हमारी सरकार नहीं बनी, हम गठबंधन के साथी हैं, सहयोगी हैं सरकार में, उसके बावजूद भी आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पिछले बार 1 साल के दौरान हमारे नेता आज भी 10 लाख सरकारी नौकरी के सवाल पर अडिग हैं, हम कायम हैं और रोजगार की सरकार है, ये प्रमाण बोल देना,
आप तो भारतीय जनता पार्टी का दिया हुआ नौकरी का नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में बांटते रहे आप लोग। आप जब बोल रहे थे हम नहीं बोल रहे थे, आप बोलिए। एक साल के अंदर में मैं बता देता हूँ अंजलि जी, सुन लीजिए, एक साल के अंदर में 1.5 लाख से अधिक सरकारियां नौकरी दे चुकी नौजवानों को। और अरे क्या बेवकूफ बना रहे हैं भाई, दे चुकी है। एडवर्टीजमेंट को एडवर्टीजमेंट को भी नियुक्ति बोलते हैं यहाँ पे। बाद में जवाब दीजिएगा विनीत जी, आपको पता नहीं है 3,82,000 सबसे काफी लाफी है, नए पदों का सृजन किया गया और 2,86,000 अब सुनिए तो बोले का जवाब दे रहा हूँ, उसके बाद आप बोलिएगा। 2,86,661 पद की नियुक्तियां प्रक्रिया चल रही है और अगले वर्ष तक 10,00,000 सरकारी नौकरी और उसके बाद 10,00,000 रोजगार नौजवानों को बिहार की महागठबंधन की नई सरकार आदरणीय तेजस्वी यादव जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम देने जा रहे हैं। और अब हमारा सवाल, बिल्कुल बड़ी बात है, सवाल आप सब नोट कर लीजिए, अगले साल 10,00,000 लोगों को नौकरी मिलेगी। मेरा भी सवाल है, मेरा भी जब युवाओं से मिलते हैं अरुण कुमार जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मेरा भी सवाल है, मेरा एक सवाल ले लीजिए, मेरा एक सवाल है, एनडीए के अरुण जी शांत हो जाइए, अरुण जी शांत हो जाइए, अरुण जी शांत हो जाइए। चुप हो जाऊंगा। नरेंद्र मोदी जी ने प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, 9 साल बीत गए, 18 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिलनी चाहिए। पूरा हिंदुस्तान का, देश का नौजवान पूछ रहा है, इंडिया सवाल कर रहा है, 9 साल में प्रधानमंत्री जी ने जो वादे किए थे 2014 के चुनाव में, 9 साल में कितनी सरकारी नौकरियां मिली। पूरे हुए अंजलि जी बस 10 सेकेंड। जब मैं बॉम्बे में पढ़ रहा था तो वहां पे कहावत थी, बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते। यहाँ पे देखिए, बिहार सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं, क्या आंकड़े कहता है कि पिछले 9 महीना में मात्र 26,843 लोगों को रोजगार मिला है। और ये यहाँ पे बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि 2,00,000 2.5 लाख 3 लाख की बात कर रहे हैं, ये सही है कि इनकी मनगढ़ंत बात सही है? ये देखिए लौक रहा है सर पर खुले मैदान, लौक रहा है। आप युवाओं के बीच जाते हैं, कितना कॉन्फिडेंट? और मेरा ये महत्वपूर्ण सवाल कि मैं ये नहीं जा रही बीजेपी ने क्या किया, तो मेरा सवाल ये कि बिहार के युवाओं को क्या मिला, क्या बिहार के युवाओं को के लिए जाति गणना महत्वपूर्ण है? जी बिल्कुल अंजलि, बिहार के युवाओं को जाति जनगणना से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें नौकरी चाहिए, उन्हें अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, उन्हें अच्छी शिक्षा चाहिए। ये मुद्दों की बात होती है। मैं वही कह रहा था आपको कि मुद्दों की बात जो भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता होते हैं वो चुनाव से पहले कहते हैं, लेकिन जब चुनाव प्रचार में वो जाते हैं तो जाति की बात करते हैं। और जब भी बिहार की जनता चुनाव में जाती है तो वो ये देखती है कि हमारे जाति के कौन से कैंडिडेट है, हमें किनको वोट करना है। मैं आपको बताता हूं, 2015 का विधानसभा चुनाव, हम लोग सभी पत्रकार जो थे वो लालू प्रसाद यादव के यहां बैठे हुए थे, और उसी दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान आया था जिसमें मोहन भागवत ने ये कहा था कि आरक्षण पर अब सर्वेक्षण की जरूरत है। तो उसके बाद लालू प्रसाद यादव खुशी से उछल गए थे, उन्होंने कहा था कि मुझे मुद्दा मिल गया। और उसके बाद पूरे चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने बिहार के जनता को संबोधित करते हुए ये कहा था कि बीजेपी और मोहन भागवत मिलकर आरक्षण खत्म करना चाहती है देश में, और ये उस समय मुद्दा बना था और इसका लाभ महागठबंधन की सरकार को मिला था।
2015 में अगर आपको याद होगा तो महागठबंधन की सरकार बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, तो वही जिन जो है वो दोबारा निकालने की कोशिश हो रही है महागठबंधन की सरकार के तरफ से। अगर जातीय जनगणना होगी, उसके रिपोर्ट आएंगे, उसके आंकड़े आएंगे, तो निश्चित रूप से भागीदारी की बात होगी, हिस्सेदारी की बात होगी और आरक्षण की बात होगी। लोग सड़क पर उतरेंगे, अपने लिए आरक्षण की मांग करेंगे, एक माहौल क्रिएट होगा चुनाव के पहले। और इसका एक बात मुझे थोड़ी सी खलती है, जैसे महागठबंधन का एक स्टैंड दिख रहा है जाति का, लेकिन मुझे ना बीजेपी का स्टैंड समझ नहीं आता यहाँ पे, क्योंकि आप जी बिल्कुल बिल्कुल अंजलि, मैं आपको बताता हूँ कि राजनीति में बहुत कुछ खुल के कहा नहीं जाता है, बहुत कुछ बातें होती है जिसमें आप सांकेतिक सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के सामने आप खुलकर नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर अखिलेश सिंह जी आप सौरभ जिक्र कर रहे हैं, बात सही बात है कि राजनीति में हम लोग भी देखते हैं बहुत कुछ कहा जाता है, बहुत कुछ पर्दे के पीछे से कहा जाता है, आखिर कब तक ये पर्दा। एक बार आप लोग कहते कि ठीक है हम इस जाति गणना का विरोध भी नहीं कर रहे हैं, हम लोग साथ हैं, फिर दूसरी तरफ कई बार आप लोग कहते कि देखिए शिक्षा की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए, मुझे लगता है जनता थोड़ी सी कंफ्यूजन, आप लोग चाहते हैं इधर से भी ना वोट खिसके, इधर से भी वोट ना खिसके। आप पहले एक बात बता दीजिए कि जातीय जनगणना का विरोध हमने कब किया है, ये एक आप बता दीजिए। अगर अखिलेश जी आपने विरोध कभी नहीं किया है, अखिलेश जी आपने विरोध कभी नहीं किया है, लेकिन आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जब बिहार के नेता आपके प्रधानमंत्री के पास गए थे और उन्होंने कहा था कि पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, तो प्रधानमंत्री ने इन लोगों की बात क्यों नहीं मानी थी? मान लेनी चाहिए, बीजेपी तो सपोर्ट कर रही है, तो पूरे देश में जातीय जनगणना कर, पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि हम देश में नहीं करवा सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो आप जाके राज्य में करवा सकते हैं। ये विरोध हो गया तो देश में क्यों नहीं करवाया? लेकिन अखिलेश सिंह जी ना, वही तो मेरा सवाल यही है कि आप बताइए ना, आप क्यों क्यों इस तरह से घुमा करके लोगों को बता रहे हैं? सवाल भी आप उठा रहे हैं, अखिलेश जी इसे क्या कहते हैं? अखिलेश जी इसे क्या कहते हैं, आप ही बता दीजिए। आप मानते हैं कि विरोध किया? नहीं नहीं, आप नहीं मान रहे हैं तो इसे क्या मानते हैं? नहीं नहीं, हम तो मानते हैं कि अगर आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं तो आप विरोध कर रहे हैं। बात क्या मान रहे हैं, हमने बिहार में जातीय जनगणना का विरोध किया कि नहीं? आप तो आप कैसे रोक सकते थे? बिहार में आपकी सरकार नहीं है, आप कैसे रोक सकते हैं? मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम राज्य के पैसे से जातीय जनगणना कराएंगे, तो आप कैसे खुल के सामने आते, कैसे विरोध करते? फिर तो आपको सामने आना पड़ता। नहीं तो अगर हम नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप क्या चाह रहे हैं कि हम करें? चले ठीक है, अगर हम कर रहा है, नहीं नहीं मैं बिल्कुल करवाना नहीं चाह रहा हूँ, आप खुल के सामने आइए। आप जो कर अखिलेश जी, आप जो कर रहे हैं, नहीं नहीं अखिलेश जी एक आदमी बोलिए ना, आप दोनों में से एक आदमी बोलिए ना, एक बार अखिलेश जी बोलिए ना। अखिलेश जी मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो कर रहे हैं ना वो खुल के सामने आइए, या तो आप विरोध कर रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं। हम खुल के सामने हैं कि हम समर्थन कर रहे हैं, तो बार बार आरोप क्यों लगाया जा रहा है? क्या समस्या है ये बताइए ना। तो बार बार आरोप आप पर क्यों लगाया जा रहा है कि आपके नेता, आपके नेता बिहार में पटना हाईकोर्ट में आपके नेता ने याचिका दायर किया, आपके जो लोग हैं याचिका दायर किया हमारे कौन नेता, कई बार आरोप लगे हैं आप पर। आरोप की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आप चैनल में बैठ के ये कह रहे हैं कि हमारे नेता ने, आप नाम बताइए बीजेपी का कौन नेता है और किस पद पर है? नहीं नहीं मैं ये नहीं कर रहा हूँ, आपके नेता आप इसके लिए क्षमा मांगे। नहीं 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 मैंने कहा आरोप लगता है बीजेपी पर, क्यों आरोप लग रहा है? आरोप लगाना काम वो जाती है, आरोप लगाएगा ये आप कह सकते हैं विपक्ष हम पर आरोप, तो कुछ तो सच्चाई होगी अखिलेश जी, कुछ तो सच्चाई होगी। कितना आरोप लग रहा है? अगर सुनिए सुनिए, आप दोनों मत बोलिए, चुप रहिए, आप बोलने दीजिए मुझे, आप बोलने दीजिए मुझे, ऐसे करते बोलिए 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 अखिलेश जी बोलिए बोलिए, ऐसे कैसे चलेगा भाई? आप एक बात बताइए ना, हम पर विपक्ष जितना आरोप लगता है सबको आप सत्य मानते हैं, कुछ ना कुछ सच्चाई होगी इसमें?
कुछ ना कुछ तो बात होगी ना। अगर आज अगर लगाता है हम पर जितने भी पक्ष आरोप लगाता है उसमें सबसे सच्चाई है, आप ये मान रहे हैं? नहीं, विपक्ष अगर आरोप लगा रहा है तो उसके पीछे तर्क भी दे रहा है। क्या तर्क दे रहा है? आप आपने कहा कि बीजेपी का नेता, हम पर आरोप है कि बीजेपी के नेता ने हाई कोर्ट में केस किया, आप बताइए वो कौन नेता है? विपक्ष बतावे कौन नेता है और किस पद पर? नहीं नहीं, मैंने ये कहा कि आप पर बार बार आरोप क्यों लगाया जा रहा है कि आप लोग लगाना ये अलग विषय है, इसके लिए तर्क है। मैं आरोप की ही बात कर रहा हूँ अखिलेश जी, मैं आरोप की ही बात कर रहा हूँ जी, मैं आरोप की ही बात कर रहा हूँ कि बार बार बीजेपी। नहीं नहीं नहीं, आप आरोप की बात नहीं कर रहे, आरोप की बात नहीं कर रहे हैं सौरभ जी, आप आरोप की बात नहीं कर रहे। सुनिए सुनिए सुनिए, अरे एक आदमी बोल दिया उसका जवाब देने दीजिए, एक आदमी बोल दिया उसका जवाब देने दीजिए। आपने आरोप की बात नहीं कही है, आप हमको बोलने नहीं देंगे तो फिर हम क्या आप क्यों जनता में, आप सुनिए सुनिए बात को सुनिए, आप क्यों जनता में ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपके प्रयास से मैसेज नहीं देना चाहिए? आप सुनिए, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि आपने आरोप की बात नहीं कही, आपने ये कहा कि यदि आरोप लग रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होगी, तो बताइए ना क्या सच्चाई है? वो तो आप बताएंगे ना, वो आप बताएंगे, वो आप बताएंगे कि जो आप पर आरोप लगा है उसमें सच्चाई है या नहीं है, ये आपका काम है, आप बताएंगे। नहीं सुनिए सुनिए, आप दोनों बोलने लगते हैं, अभी बोलिए, 30 सेकंड मुझे बोलने दीजिए। अरे एक आदमी बात करिए, एक आदमी बात करिए, चंदन जी है, अंजलि जी, एक आदमी बात करिए ना, अंजलि जी कैसे बात करते हैं आप लोग, कैसे? अंजलि जी सुनिए, ऐसे कैसे चलेगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे मत करिए, ऐसे मत करिए। अरे सौरभ जी बोले तब तक आप बोलने लगी, दोनों कैसे बोलिएगा? आप सुनिए, नहीं नहीं, हम चुप हैं, हम चुप हैं, हम चुप हैं, मुझे बताने के लिए सुनिए, आप बात को जी। जैसे जी, मैं आपको कह रहा हूं कि आपने कहा कि इसमें सच्चाई नहीं, हम तो कह रहे हैं कि इसमें सच्चाई नहीं है, आप प्रमाण दीजिए ना, आप ऐसे कैसे कहते हैं कि अगर इसमें आरोप होगा तो कोई ना कोई सच्चाई होगी? मैं कह रहा हूं कि इसमें सच्चाई नहीं है, आप भी तो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आप भी तो कुछ ना कुछ तथ्य इकट्ठा करके लाते हैं, आप ये कैसे इस तरह की बात आप कह सकते हैं चैनल पर बैठकर इसमें कोई ना कोई सच्चाई होगी? आप ऐसे मत बोलिए सौरभ जी, मैं आपको विनती पूर्वक कहना चाहता हूं। नहीं अंजलि जी 30 सेकंड मुझे दीजिए, अंजलि जी 30 सेकंड मुझे दीजिए, सौरभ भाई जाति गणना के पक्ष में है, हाँ जाति गणना के पक्ष में बिल्कुल है, ठीक है, हाँ बिल्कुल है। अंजलि जी, अंजलि जी, सौरभ भाई जो बात कह रहे थे, मुझे आरजेडी के सवालों का जवाब देना था और आपने मतलब उलझा करके रख दिया और उन्होंने हम पर आरोप लगाए हैं, इसका जवाब हमको देने दीजिए जी, बिल्कुल आपके पास आइए, विनीत सिंह जी कुछ कहना चाहे उसके बाद नहीं, अगर ऐसे चलेगा भाई हमको इस तरह से आप करिएगा। अच्छा अखिलेश भाई को बोलने दीजिए, अखिलेश जी को बोलने दीजिए, विनीत सिंह जी इंतजार कर लेते हैं आप लोग, गठबंधन में कितना आपसे तालमेल होगा, अखिलेश जी बताइए जी। एक तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, बिल्कुल इस तरफ से उलझा करके और एक मुद्दे पर और एक तरफ से बिल्कुल ये कहा जाए कि बिल्कुल वहां से वाकओवर मिल जाए, ये नहीं होना चाहिए। मैं इनको ये पूछना चाहता हूँ, ये जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, सोलिसिटर जनरल ने कौन सा विरोध किया था अभी ये बोले हैं यहाँ पर, उसका कागज दिखा सकते हैं क्या कि कब विरोध किया था? और रही बात, मैंने ये इन्होंने नहीं कहा है, मैं वही मैं रख रहा हूँ ना कि इन्होंने कहा, बीच में बोलने की जरूरत क्या थी, मैंने समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि ये हम पर यह आरोप लगाए कि सोलिसिटर जनरल ने जाकर के विरोध किया, केंद्र सरकार को आने की जरूरत क्या थी, केंद्र सरकार आई और हम काम कर रहे हैं, हम सबके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा इनसे सवाल है, 15 वर्षों तक आरजेडी का शासन बिहार के अंदर रहा, बिहार के अंदर क्या स्थिति हुई? एक आरक्षण इन्होंने देने का काम किया क्या किसी को? बिहार के अंदर जातीय उन्माद फैलाने का काम किया, जिस समय बिहार के मुख्यमंत्री ये कहा करते थे कि फलाने जगह हत्या हो गई, ये हमारा वोटर है क्या, ये जात हमारा वोट देता है क्या कि मैं उसके पास जाऊं, और ये लोग कहेंगे कि हम किसी के साथ न्याय करेंगे,
ये कभी किसी के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं। और जहां तक सवाल उठता है कि बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जो भी वंचित समाज है, जिन समाज को अवसर नहीं मिला है, उस समाज को अवसर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और केंद्र सरकार के मंत्री परिषद में सबसे ज्यादा अवसर देने का काम किया है। और हम घर घर यदि शौचालय बना रहे हैं, जनधन खाता खुलवा रहे हैं, अगर लोगों को जो मुफ्त अनाज देते हैं, तो सबसे ज्यादा उन्हीं वर्गों को फायदा होता है जिन वर्गों को, जो वर्ग वंचित रहे हैं आज तक समाज में, उनका विकास नहीं हुआ। और इसलिए इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि एक बात समझ लीजिए, और ये सिर्फ यही मुद्दा नहीं है, मुद्दा इन्होंने बनाया है, तो इसी मुद्दे पर हम इनको जवाब देने का काम करेंगे। और सौरभ जी, आपने उस दिन भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख जी सरसंघ चारा जी की बात कही थी, क्या आज जो बात उन्होंने कही थी वही बात ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सरसंघ चारा जी ने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा और उसका सर्वेक्षण होना चाहिए, आज क्या हो रहा है? यही काम हो रहा है कि किसको मिला और किसको नहीं मिला, किसका नाम उठाया और नहीं उठाया। अखिलेश जी, 2015 में तो महागठबंधन को फायदा हो गया ना, संघ प्रमुख ने जो बयान दिया, उन लोगों ने भ्रम बनाने की कोशिश की और भ्रम फैल गया, उसका फायदा हुआ, लेकिन वही तो 2024 में होगी, वही जी 2024 में वही करने की कोशिश तो की जा रही है। अखिलेश जी करे, लेकिन एक बात समझ रहे हैं ये लोग कि 2024 में उनका ये सारी साजिश, उनकी ये नाकाम होगी, क्योंकि देश के अंदर नरेंद्र मोदी जैसा नेता है जो समाज के सभी लोगों के लिए एक्सेप्टेबल है, उसने अति पिछड़ों को अखिलेश जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जातीय जनगणना के जब आंकड़े आएंगे, जब पब्लिक किए जाएंगे, आपको क्या लगता है कि एनडीए को ज्यादा फायदा होगा या महागठबंधन को फायदा होगा चुनावी? क्या लगता है? चुनावी फायदा का विश्लेषण आपका काम, उसको करिए। नहीं नहीं, आप बताइए, आप बताइए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कोई किसी को फायदा नहीं होगा, समाज का प्रत्येक वर्ग, वो अति पिछड़ा हो, अनुसूचित जाति हो या अगला हो, सभी वर्गों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, सभी वर्गों के लिए। आप बोलते रहिए, सब मैं बोलता हूँ, आप बोलते हैं, आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगा जब तक मेरी बात पूरी नहीं हो जाएगी, तब तक मैं बोलूंगा कि समाज, अखिलेश जी आपने बोल दिया, अखिलेश जी आपने सुनिए, अंजलि जी, चुनाव में किसको फायदा किसको नुकसान ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मेरा सवाल ये है और इसलिए मैं सकारात्मक चाहती हूँ चर्चा हो, कि जो ये हम चर्चा करते हैं ये नहीं है कि हाई कवर, हाई बीजेपी, हाई महागठबंधन। मेरा मुद्दा इसलिए रहता है कि युवाओं को क्या मिला, वहां की जनता के हाथ में क्या हुआ, चुनाव में फायदा नुकसान के लिए राजनीतिक दल समझेगी और आकलन करेगी। विनीत सिंह जी, आपने कहा था कि शिक्षा की व्यवस्था को लेकर वाकई आकलन होना चाहिए, लेकिन क्या है, देखिए आप लोग विपक्ष में हैं, तो विपक्ष भी अगर ऐसी भूमिका और मैं यूं कहें जिम्मेदारी ऐसे मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाए तो इंपैक्ट होगा। अंजलि जी, आपके सवाल पे हम आते हैं, पहले सौरभ भाई का एक बात का जो मैं खंडन करना चाहता हूं। देखिए, जब शिष्टमंडल पहुंचा था माननीय प्रधानमंत्री जी के पास, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भाई हर 10 साल में हम लोग कास्ट सेंसस कराते हैं यहाँ पे, जिसमें कि आर्थिक और सामाजिक आंकड़े जो है हमारे पास होते हैं, बस केवल ओबीसी का जो आंकड़ा है वो आदमी नहीं प्रदर्शित करता है, प्रकाशित करता है, क्योंकि उसके जो प्रभाव होंगे काफी दूरगामी होंगे, जिसकी जिक्र मैंने सोलिसिटर जनरल के माध्यम से कहा है। अब आपको करवाना है तो करवा लीजिए, ये बात हुई थी, कभी भी प्रधानमंत्री जी ने इस बात का विरोध नहीं किया था और बिहार में इन्होंने कराया और हम सब साथ हैं। जहां तक बात रही है आरोप की, तो नीतीश कुमार जी के पास क्रेडिट लेने के लिए है क्या? 15 साल बड़े भाई का, 17 साल छोटे भाई का, है कुछ भी नहीं। ये चाहते हैं हाय तवा मचा के कि अपना अपना क्रेडिट ले लिया जाए। अब बात आते हैं अंजलि जी, मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए। हाँ अंजलि जी, अगर मान लीजिए कि सरकार इतनी ही गंभीर होती, इतनी संवेदनशील होती, तो अभी आप देख लीजिए कि शिक्षकों की क्या स्थिति है। आप यूनिवर्सिटीज की बात करिए, जो 7 यूनिवर्सिटी है, स्टूडेंट और टीचर का अनुपात सबसे खराब है देश में, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो सेशन जो चलते हैं वो 3 साल का 5 साल का। तो ये तो चाहिए कि यहाँ पे शिक्षा मंत्री के पाठक और गवर्नर साहब, महामहिम साहब, एक साथ बैठ के इस बात पे काम करें। अभी अब देखिए बिहार सरकार कहती है कि कुल वाइस चांसलर की जो नियुक्ति होगी अब सरकार करेगी, अब चांसलर साहब नहीं करेंगे। फिर से क्या हो रहा है कि उनके जो अधिकार क्षेत्र है उनमें इंक्रोच किया जा रहा है, वो अलग से एक सिगुफा छिड़ेगा।
मेरा कहने का मतलब है अंजलि जी कि ये जो काम हो रहा है ना, ये तो पॉलिटिकल बेनिफिट किसको मिलेगा वो बात की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि जो ये महाठगबंधन में घटक दल है एक दूसरे पे भारी पड़ने की जो जो कवायद है उसके लिए लगे हुए हैं। नीतीश कुमार जी कहेंगे देखिए मेरा प्रतिशत बढ़ गया है, कोई री कुर्मी धानु का ले लीजिए, राजद कहेगा कि मेरा प्रतिशत बढ़ गया है उसमें सीट मुझे ज्यादा मिलेगा, कांग्रेस कुछ और करेगा, ये जो है घाल मिल बन जाएगा। और आखिरी में जो डेटा जो निकल के आएगा क्या वो डेटा असली में सही डेटा होगा या मैनिपुलेटेड डेटा होगा, ये भी देखने वाली बात होगी और ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल पारदर्शिता जरूरी है और बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई इस बार भी जो चुनाव होना है, जो सियासत होना है जाति की, क्योंकि होर सी मची हुई है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बात यह है कि देखिए बिहार की बात की जाए, मुझे याद है चुनाव होते हैं जाति गणना इस बार बहुत ज्यादा देखा जा रहा है कि प्रायोरिटी के है। अब देख रहे हैं आप केंद्र सरकार की एंट्री हुई है तो खलबली मच गई, खलबली मचना लाजमी सी बात है। कुल मिलाकर किसको कितना फायदा, किसको कितना नुकसान और जनता को क्या मिला, आप लोग क्या सोचते हैं कि जाति गणना से ही होगा विकास का वहां पर दूर, जाति गणना से ही होगा बदलाव जो बिहार को हम लोग देखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।